बाड़ी शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या हमेशा की ही है। इस पर निजात पाने के लिए अब यातायात डीसीपी सारंग अवार ने कदम उठाए हैं। सोमवार को डीसीपी अपने दलबल के साथ वाड़ी पहुंचते ही एमआरडीसी यातायात विभाग के पीआई राजेंद्र पाठक वाड़ी स्थित एमआरडीसी चौक पहुंचे। यहां के सिग्नल बंद होने के साथ ही यातायात पुलिस नहीं थी, लेकिन डीसीपी वाड़ी आते ही चौक पर यातायात पुलिस दिखाई दी। डीसीपी आवाड ने बताया कि वाड़ी में टी पॉइंट का सिग्नल बंद है, वहां पर पोर्टेबल सिग्नल देने का विचार है। शहर में अस्त व्यस्त पार्किंग, राजमार्ग पर बसे अतिक्रमण व खड़गांव रोड पर लगने वाला जाम का जायजा लिया। खड़गांव रोड पर नो एंट्री की गई है, वह ठीक है या नहीं, पार्किंग के लिए कोई जगह उपलब्ध होती है क्या, और साथ ही नए सिग्नल लगने में समय लगेगा, उसके जगह पोर्टेबल सिग्नल लगाने का विचार भी किया जा रहा है। खड़गांव रोड पर यातायात जाम को सुचारू रूप की योजना भी बना रहे हैं। एरियामध्ये मी आमचे वाहतूकचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसोबत पाहणी केली, त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने तीन ठिकाणी आम्ही पाहणी केली। एक तर वाडी टी पॉइंटचा जो सिग्नल बंद आहे त्याच्यावर काही पर्याय करता येईल का, एखादा पोर्टेबल सिग्नल देता येईल का, नवीन सिग्नल येईपर्यंत, नवीन सिग्नल यायला थोडासा वेळ लागतोय, तोपर्यंत पोर्टेबल सिग्नल काही देता येईल का। दुसरं, खडगावच्या इथे आम्ही एक बाजूने नो एंट्री केलेली आहे, ती योग्य आहे का नाही, आणि तिसरं आहे ते म्हणजे इथे काही ठिकाणी पार्किंगच्या जागा काही उपलब्ध होत आहेत का, जेणेकरून हे जे ट्रकर्सचा हेवी व्हेकलचा पार्किंगचा प्रॉब्लेम येतो आहे तो काही सॉल्व करता येईल का। या तीन गोष्टींसाठी आज मी इकडे आलो। सर्व नागरिकांना मी आवाहन करू इच्छितो की आगामी जो 31 डिसेंबर आहे त्याच्या रात्री आपण सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करावे, शासनाचे सर्व आदेश आहेत त्यांचं पालन करावे। 11 वाजेपर्यंतच दुकानं आणि बार्स आणि हॉटेल्स चालू राहण्याची परवानगी आहे, त्यानंतर चालू राहणार नाहीत। आपल्या व्यक्तिगत ठिकाणी प्रायव्हेट पार्टीजला किंवा प्रायव्हेट सेलिब्रेशनला कुठल्या प्रकारची मनाई नाही, मात्र रस्त्यावरती किंवा हॉटेल्समध्ये धांगडधिंगा करून काही हे करण्याची गरज नाही। ट्रॅफिक ब्रँचकडून आणि नागपूर पोलिसांकडून मोठा बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। यातायात को सुचारू करने के लिए सभी ने सहयोग की अपील डीसीपी सारंग अवार ने की है। 31 दिसंबर को हुड़दंग मचाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। 2020 के आखिरी दिन 31 दिसंबर के रात 11 बजे तक होटल बार खुले रहेंगे, उसके बाद सार्वजनिक जगह पर नए साल का जश्न नहीं मनाएंगे। कोविड नियमों का पालन कर अपने निजी स्थान पर नए साल का उत्सव मनाएं। नागपुर पुलिस की ओर से तगड़ा बंदोबस्त किया गया है, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी डीसीपी सारंग अवार द्वारा दी गई है। इन बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।